शेख, कुरान को चूमना क्या सुन्नत है, और कुरान पे कसम खा सकते हैं क्या? जजाकला। जी शेख, दो सवाल, दो सवाल, माशाल्लाह दो होशियारी के साथ इन्होंने दोनों सवाल एक तालियां साथ कर दिए। जल्दी कुरान जी। को चूमना ये सुन्नत नहीं है। कुरान पढ़ने के लिए आया है, समझने के लिए आया है, अमल करने के लिए आया है। कुरान को चूमना ये साबित नहीं है, ये सुन्नत नहीं है। बहुत सारे लोग इसको शरीयत और सुन्नत समझ करके करते हैं। कुरान से हकीकी मोहब्बत ये है कि आप कुरान को पढ़ो, उसको समझो, उस पर अमल करो और उसको बेहुरमती से बचाओ। ये भी कुरान के बहुत सारे आदाब हैं, उसको बेहुरमती से बचाओ, अच्छी जगह पर रखो, साफ सुथरी जगह पर रखो। कुरान के ऊपर बहुत सारे लोग बहुत सारी किताबें या कोई सामान वगैरह उसके ऊपर रख देते हैं, ये जो है कुरान की बेहुरमती है। तो कुरान का एहतराम उसको चूमना नहीं है, कुरान का एहतराम उसको एहतराम से रखना, पढ़ना, समझना, उस पर अमल करना है। इसलिए चूमना ये दीन नहीं है कुरान को। दूसरा, आपने कहा कि कुरान की कसम खाना। देखिए, कुरान का में जो कलाम है वो अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह का कलाम ये अल्लाह की सिफत है, और अल्लाह के सिफत की कसम खाना ये जायज है। अल्लाह ताला के अस्मा व सिफात की कसम खाना ये जायज है, बल्कि इसके अलावा किसी और चीज की कसम नहीं खा सकते, सिर्फ अल्लाह के अस्मा और सिफात की कसम खाना जायज है। तो कुरान ये अल्लाह का कलाम है, सिफते कलाम, इसकी कसम खाना जायज है। लेकिन जिन जिस वरके में कुरान लिखा हुआ है वो वरका अल्लाह की सिफत नहीं है, वो मखलूक है। जो जी वरका, रोशनाई, जो चीजें उसमें इस्तेमाल हुई है वो सब मखलूक है। उसमें जो कलाम लिखा हुआ है वो कलाम अल्लाह की सिफत है, उसकी कसम खाना जायज है। और जाहिर है, जो मैं समझता हूं कि जो भी आदमी कुरान की कसम खाता है तो वो जो कागज और वो जो उस पर कवर वगैरह लगा है वो उसकी कसम नहीं खाता जी है, वो उस कलाम की कसम खाता है। लिहाजा कुरान की कसम खाना जायज है, लेकिन ये साथ में आप याद रखें कि आप उस कलाम की कसम खा रहे हैं, ना कि उस वरके की और उस कवर की कसम खा रहे हैं।